दोस्तों, आचार संहिता लगते ही बहुत सारे बदलाव कर दिए जाते हैं, जिसमें कि सरकारी योजना और सरकारी जो नोटिस निकलते हैं उन पर बहुत जल्दी लगाम लगा दी जाती है। इसी के चलते दोस्तों, अभी कहा जा रहा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्र परीक्षा और माध्यमिक शिक्षा पात्र परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। इसको लेकर पीबी का आधिकारिक बयान आया है, वो हम आपको कंप्लीट सुनाएंगे। लेकिन आपको पहले बता दें कि अगर आप एमपी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो व्यापम परीक्षाओं के लिए सबसे शानदार ऐप है एमपी परीक्षा ऐप। व्यापम की परीक्षाओं के लिए 50,000 से अधिक निशुल्क प्रैक्टिस प्रश्न है, शिक्षकों का डेली डोज है जिसमें कि वर्ग 2 की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप 31 अक्टूबर से पहले ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमारा कोड जो है DEEOCTB50 DEEOCTB50 यूज करें और ₹230 की टेस्ट सीरीज मात्र ₹115 में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके बाद आप ये डाउनलोड कर सकते हैं करते हैं तो हम आपसे आप संपर्क करें, तो आज ही डाउनलोड करें सफलता की ऐप एमपी परीक्षा ऐप। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर पीबी ने क्या कहा है। तो आपको बता दें कि भोपाल से खबर आ रही है कि चुनाव आचार संहिता के कारण मध्यप्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। इसके अलावा आदर्श जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। इसके पहले मैपआईटी परीक्षा रद्द करने की आधिकारिक सूचना भी आ चुकी है। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में इन परीक्षाओं के लिए नियम शर्तों में संशोधन भी किया गया था और आवेदन की अंतिम तारीख भी बढ़ाई गई थी। फिलहाल आवेदकों की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षाओं का आयोजन चुनाव के बाद ही होना है, यह भी आपको पता है कि 15-11 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद परीक्षा का आयोजन होना है। इसमें एक जानकारी जो मिली है कि ये जो परीक्षा रद्द कर दी गई है, जीटीवी की ओर से खबर आ रही है, ये कह रहा है एक लोकल समाचार पत्र का भोपाल के, तो उसमें है दोस्तों आपको बता दें कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक अशोक भदौरिया ने भोपाल समाचार को बताया है कि उनके पास इसकी कोई भी अधिकृत जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है। शुक्रवार को विजयादशमी, शनिवार एवं रविवार को शासकीय अवकाश है। जो भी स्थिति होगी सोमवार को सामने आएगी। पीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसकी कोई सूचना नहीं है। तो दोस्तों, भद्रे जी ने क्लियर कर दिया है कि अभी तक पीईबी की तरफ से तो ऐसा कोई जानकारी ना तो प्रकाशित की गई है और ना ही उनके पास ऐसा प्रक्रिया रद्द होने की कोई खबर है। लेकिन सोमवार को दोस्तों, सोमवार को 11-12 बजे तक हमको क्लियर हो जाएगा। तब तक दोस्तों हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लाते रहेंगे, और अगर ऐसा कुछ होता है, मेरे भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि हमने काफी सालों से भर्ती का इंतजार किया है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हो और दोस्तों ये परीक्षा कैंसिल ना हो। और मेरे ख्याल से कैंसिल होनी भी वाली नहीं है, हमारी तरफ से जितनी भी जानकारी लगी है इसमें परीक्षा कैंसिल नहीं होगी और बिल्कुल नहीं होगी। डोंट वरी, आप बस पढ़ाई करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।